हाँ तो भाई ये है टेक्नो पोवा 6 Pro 5G, जो इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। और ये फ़ोन लेने से मैं आपको साफ साफ मना करना चाहूँगा। हालांकि इसके पीछे का रीज़न क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्राइस पॉइंट क्या है, बैंक ऑफर्स क्या है, सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो थोड़ी स्पेक्स पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हमें 6.78 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश, साथ में एक फ्लैट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। सेंटर में पंच होल कैमरा, क्वार्टर लॉन्च, HDR10 का सपोर्ट और वाइड बैंड 11 सर्टिफाइड भी देखने को मिल जाता है। तो रोल भाई डिस्प्ले क्वालिटी ठीक ठाक है। बात करके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 लाइक 5G प्रोसेसर, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप और LPDDR4 की रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। अब प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं। इस प्राइस रेंज में हमें ऑलरेडी अदर कंपनी की तरफ से इससे अच्छा और इससे बेटर प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप डेली डिटेल्स परफॉर्म करना चाहते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यूज करोगे, तो सिनेरियो में आपका काम ये निकाल के दे देगा। बात करके कैमरा सेटअप के बारे में, तो बैक में 108MP का डुअल कैमरा, 108MP का मेन कैमरा और 2MP का बहुत ही महत्वपूर्ण डेप्थ सेंसर। हालांकि भाई ये थर्ड सेंसर भी बताते हैं, तीन कैमरा बताते हैं, बट काम का तो भाई यहाँ पर देते दो हैं, बट काम का खाली एक ही है। और फ्रंट में हमें 32MP की सेल्फी देखने को मिलती है, सेल्फी कैमरा हमें बढ़िया देखने को मिल जाता है। और भाई बैक में हमें कोई OS भी देखने को नहीं मिलता, तो आपको एक बात का भी ध्यान रखना है। फिर आगे बैटरी और चार्जर के बारे में, तो यहाँ पर हमें 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। ये फोन 70W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। चार्जर हमें डब्बे में देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा काम किया हुआ। बात करके UI के बारे में, तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 और इनका iOS देखने को मिल जाता है। हाँ, दुनिया भर के एड्स ब्लूटूथ तो रहेंगे रहेंगे, साथ में पता नहीं क्यों इनका जो UI आता है ना, वो पर्सनली मुझे इरिटेटिंग लगता है, मतलब बहुत खराब लगता है। आपको इनका UI कैसा लगता है, अपना ओपिनियन जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। सेंसर्स के बारे में, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, 3.5 जैक, डुअल स्टोरेज स्पीकर और हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है और साथ में NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाए। बात करें बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, तो यहाँ में प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता है, बॉक्सी टाइप का डिजाइन लैंग्वेज फॉलो किया गया। बैक पैनल में भी कुछ चमकती धमकती लाइटें भी हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे बैक पैनल देखो तो इतना ज्यादा मिनिमलिस्टिक नहीं लगे, मतलब बैक में बड़ा बड़ा NFC लिखा हुआ है, कहीं बैटरी और चार्जर बड़ा बड़ा लिख दिया, कहीं टेक्नो पोवा, मतलब पूरा नाम ब्रांडिंग करके रखा हुआ है। तो ये थोड़ा मुझे डिजाइन बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगा, मतलब अजीब डिजाइन लगा। आपको भी कैसा डिजाइन लगा, क्योंकि देखिए अगर जिसको थोड़ा अच्छा क्लीन डिजाइन, थोड़ा मिनिमलिस्टिक वाला डिजाइन पसंद आता है ना, तो उसको तो इसका डिजाइन पसंद ही नहीं आएगा। और जिसको एकदम हैवी वाला पसंद आता है तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इतना बड़ा बड़ा लिखने की क्या जरूरत है। ये कुछ नहीं लिखते, खाली लाइटें दे देते, तो पर भी डिजाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है। क्योंकि देखिए नथिंग के फोन कैसे होते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट के साथ में आते हैं, लाइट होती, बट वहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखा हुआ नहीं रहता, तो थोड़ा डिजाइन देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा बड़ा बड़ा जो लिख दिया ना, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। बात करें प्राइसिंग के बारे में, तो इंडियन मार्केट में 2 RAM 8GB RAM और 256GB स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग 20,000 रुपये। सेकंड है 12GB RAM और 512GB स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग हमें जो 22,000 देखने को मिलती है, 2,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको इसकी इफेक्टली प्राइसिंग 18,000 रुपये पड़ जाएगी और हायर वाले की 20,000 पड़ने वाली है। और यहाँ पे आप अमेजोन से या फिर जाके ऑफलाइन मार्केट से इसे 4 अप्रैल से परचेस कर पाओगे। हालांकि ऑफलाइन मार्केट में भी आराम से ये फोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपको ये फोन क्यों बाय नहीं करना चाहिए। देखिए मैं सिंपल आपको बताना चाहता हूँ, अगर कभी भी ठीक है टेक्नो के सामने अगर कोई हमें अदर कंपनी सेम स्पेक्स या थोड़ी कम स्पेक्स भी प्रोवाइड कर रही है, तो आपको सजेस्ट करूंगा आप वो कंपनी से ओप्पो, वीवो, OnePlus, रियलमी, Xiaomi, पोको की भी गिनती में ले लेते हैं। तो भाई ये सारी कंपनी अगर इसके मुकाबले 19-20 में अगर कम डिफरेंस भी देती है, कम थोड़ी स्पेक्स भी प्रोवाइड करती है, तो मैं आपको लूंगा वो कंपनी की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ पे UI अच्छा मिलता है, सर्विस सपोर्ट अच्छा मिलता है और थोड़ा मतलब ट्रस्ट भी टेक्नोकनो से ज़्यादा वहाँ पे हो जाता है। तो ये 3 से 4 तो ऐसे हो गए। और ऑलरेडी हमें इससे बेटर स्पेक्स के साथ में वीवो का वीवो T3 5G देखने को मिलता है, IQ का Z9 5G देखने को मिल जाता है। इससे बढ़िया वहाँ पर हमें डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, डिज़ाइन, मतलब सब कुछ वहाँ पर बढ़िया मिलता है और भी 18,000 में वो भी मिल जा रहा है। तो भाई हम ये फोन क्यों ही बाय करें, तो आपको सजेस्ट करूंगा ये फोन को आप इग्नोर कर दीजिए, सिंपल सा आपको वीवो का T3 या IQ का Z9 ले लीजिए। क्योंकि भाई ये दोनों फोन में सेम स्पेक्स और सेम प्राइसिंग मिलती है, तब पर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे वीडियो है, वो वीडियो चेकआउट कर दीजिए। मैं आपको बताया हुआ कि दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फोन जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ऐसे एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।